ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको वापस ले रहे हैं, तो ये राज्य के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है और भविष्य में जिस मजबूत प्रदेश की हम उम्मीद करते थे उन हमारी भावनाओं पर मुख्यमंत्री जी की इस विचारधारा से उसके आधार पर प्रहार हुआ है। हमारे उत्तराखंड को बुलंद स्थिति में पहुंचाने की हमारी जो सोच है उस आधार पर कोई प्रहार करे इसको स्वीकार नहीं कर सकते और उसके लिए न्यायालय में जाने की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वकीलों को अपॉइंट करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो तय हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और जो काम 21 वर्ष में नहीं हुआ वो काम धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो पहला हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि वे 10 साल तक सत्ता में थे उत्तराखंड में, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य उत्तराखंड के हित में नहीं किया और उत्तर प्रदेश से कोई बात भी नहीं की, जबकि उत्तर प्रदेश में उनकी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकारें थी और हमारे समय में इस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य बनने के बाद भाजपा की सरकार है। तो इस सरकार के आते ही टिप्पणीजन की सरकार ने सारे रास्ते निकाल दिए, समाधान कर दिया गया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर हमारे साथ अन्याय होगा जिसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस का जो दायित्व बनता है हम उस दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर इस दिवस को काले दिवस के रूप में भी मनाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतर करके इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का भी काम करेंगे। और अभी आदरणीय राव जी ने कहा कि हम न्यायालय में भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर भी हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। आईने काले हो गए, बुजदिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा और हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए और ये कांग्रेसी जो हैं ये बिचारे दिमाग से दिवाले हो गए। दिवालियापन है कांग्रेस का जो आज इतने अच्छे शुभ अवसर पर इतना बड़ा निर्णय हुआ है और उस पर भी मीक बेन निकाल रही है कि अरे काला दिवस मनाएंगे। मुझे लगता है अभी विपक्ष के लिए और परिपक्वता के होने की जरूरत है। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।